हेलो दोस्तों, माया इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे 8-6 का बोर्ड का वायरिंग कैसे होता है। एक बोर्ड ले लेंगे और 3 स्विच ले लेंगे और एक 5 पिन ले लेंगे और एक होल्डर ले लेंगे। उसके बाद एक इंडिकेटर ले लेंगे और एक फ्यूज ले लेंगे। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से कस लेंगे। कसने के बाद उसके बाद उसको वायरिंग करेंगे। अल्मुनिया का तार चाहे कॉपर का है ले लेंगे। उसके बाद तीनों स्विच में आराम से उसको फंसाएंगे। उसको बोल्ट को खोल लेंगे। खोलने के बाद उसको आराम आराम से तीनों स्विच में नट को पूरा टाइट कर देंगे। अब टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद तीनों स्विच को अच्छा तरीक़े से टाइट कर लेंगे। टाइट कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, कॉपर का चाहे जो भी आपका इच्छा हो वो तार यहाँ से यूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से अल्मुनिया, सीधा अल्मुनिया चाहे जो भी है आपके पास, कॉपर तार हम लोग लिए हैं, कॉपर तार के यहाँ से स्विच में से सीधे इंडिकेटर में जाएगा। स्विच में टाइट करने के बाद सीधा इंडिकेटर में ले जाएंगे। इंडिकेटर में उसको तार को कट कर कर चाहे छील कर उसके बाद अच्छे तरीके से छीलेंगे। छील लेने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, इंडिकेटर में उसको अच्छे तरह से बोल्ट से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद टाइट हो जाने के बाद सीधा अब फ्यूज में ले जाएंगे। फ्यूज में उसके बाद तार को कट करेंगे। कट करने के बाद उसको अच्छे तरीके से तार को निकाल देंगे छील कर। उसके बाद फ्यूज में अच्छे तरह से खोलेंगे। खोलने के बाद उसके बाद उसमें टाइट कर देंगे। अब टाइट हो जाने के बाद आप देख लेंगे कि इन स्विच में से सीधा इंडिकेटर में से फ्यूज में जाएगा। जाने के बाद उसके बाद फिर तार लेंगे, फिर इंडिकेटर से सीधा 5 पिन में लाएंगे। इंडिकेटर में ले जाएंगे ऊपर के टर्मिनल में। उसके बाद वहाँ पर टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद सीधा 5 पिन में लाएंगे। 5 पिन में इसके बाद तार को कट कर देंगे। कट कर कर एक होल्डर के लिए यहीं से तार इसी में ढोल लेंगे। 5 पिन में दोनों तार इंडिकेटर पर से जो आया है उसको ज्वाइंट कर कर एक 5 पिन में
अच्छे तरीके से उसको मोड़ लेंगे। मोड़ कर उसके बाद फाइव पिन में डाल देंगे। डालने के बाद उसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद सीधा एक होल्डर में ले जाएंगे। होल्डर में ले जाकर उसको कट कर देंगे वहाँ पर। कट करने के बाद तार को छीलेंगे। कट कर कर उसके बाद तार को छीलेंगे। छीलकर थोड़ा मोड़ लेंगे उसको। मोड़ने के बाद अच्छे तरीके से होल्डर में इसको भी टाइट कर देंगे। बोल्ट को अच्छे तरीके से ये भी ध्यान में रखेंगे कि कहीं पर शॉर्ट तो नहीं कर रहे। उसके बाद एक जो फाइव पिन है, फाइव पिन में से उसको कट करने के लिए एक तार काटेंगे। फाइव पिन को लाइट ऑन ऑफ करने के लिए और जो एक स्विच है उसमें से एक फाइव पिन में जोड़ेंगे। एक बटन स्विच है उसमें कंटेक्ट कर देंगे कि फाइव पिन में के लाइट कट जाएगा। अच्छे तरीके से अब उसको टाइट कर लेंगे। बटन में करने के बाद फाइव पिन में अब टाइट कर लेंगे उसको। टाइट कर लेने के बाद वैसे ही एक होल्डर में कनेक्शन कर उसके बाद एक बॉटम में कर देंगे कि होल्डर का लाइट जो है बल्ब बुझ सके। एक बॉटम से उसको कनेक्ट कर देंगे जो है। तार को काट कर उसको छील कर उसके बाद एक स्विच है उसमें उसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कर करो उसके बाद बोल्ट को टाइट कर देंगे ऐसी तरह से। जब बोल्ट टाइट हो जाएगा उसके बाद एक स्विच बच जाएगा। तो आप पंखा भी ले सकते हैं। देख लीजिए ये कैसे कैसे गया है। अगर समझ में आ रहा है तो सही है। अब मेन के लिए एक जो तार है फ्यूज जोड़ लेंगे। फ्यूज जोड़ने के बाद उसके बाद जो है फ्यूज में तार लगा लेंगे। उसके बाद सीरीज बोर्ड है, आगे सीरीज बोर्ड में चेक कर ले कोई गलती तो जुड़ा है नहीं। उसके बाद बल्ब लगाकर चेक करेंगे कि हमारा जो बोर्ड है सही वायरिंग हुआ है कि नहीं। अब देखिए हमारा बल्ब और बोर्ड अच्छे तरह तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए समझ लीजिए पॉइंट की कैसे कैसे वायरिंग हुआ है। मेन जो है कहाँ से निकला है समझने के बाद उसके बाद बोर्ड को कंप्लीट उसको कस देंगे। हमारा बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया। बोर्ड को अब कस कर आप जहाँ पर घर पर बेच दुकान में भी जहाँ भी चाहते हैं वहाँ पर भी इसको बेच सकते हैं। चाहे घर के लिए वायरिंग भी कर सकते हैं। आपके लिए हमारा प्रयास एक कैसा लगा आप मुझे कमेंट